दोस्तों, जब खाना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है तो हम स्वाद स्वाद में ज़्यादा खा जाते हैं। कई बार हम बाहर मार्केट में मिलने वाले जंक फूड्स या प्रोसेस्ड फूड, ये भी खाने में बड़े टेस्टी होते हैं, इन्हें भी हम ज़्यादा खा जाते हैं। होता क्या है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अपच जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे में पेट की इन समस्याओं से रिलीफ पाने के लिए हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि गलत है। इससे पेट की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप भी पेट की समस्याओं से राहत पाना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल तरीके बताने वाला हूं जो आपकी पाचन क्रिया के साथ साथ आपके पेट को बड़ा फायदा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, अगर आप अपनी पाचन क्रिया और पेट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने खाने का तरीका बदलना होगा। जल्दबाजी में खाना जो हम खाते हैं, ये खाना अक्सर पचने में दिक्कत करता है। आयुर्वेद में भी शांत वातावरण में खाना खाने के महत्व पर जोर दिया गया है। आप जब भी खाना खाएं, अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाएं और पाचन की मदद के लिए हर टुकड़े का आप आनंद लें। इससे आपकी पाचन क्रिया भी मजबूत रहेगी। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है, ऐसे मौसम में गर्म पानी का सेवन करना आपकी सेहत के लिए और आपके पेट के लिए, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गर्म पानी पाचन अग्नि को बनाए रखने और हेल्दी पाचन को बढ़ावा देने में हमारी मदद करता है। अगर आपका पाचन ठीक रहेगा तो आपको पाचन संबंधी समस्याएं नहीं होंगी, यानी डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल नहीं रहोगे। साथ ही ठंडी ड्रिंक्स आप पीने से बचें, क्योंकि ठंडी ड्रिंक्स हमारे पेट की जो जठर अग्नि है, जो पाचन अग्नि है, उसको कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से पच नहीं पाता और फिर अपच, गैस्ट्रिक और एसिडिटी की समस्या हो जाती है। दोस्तों, इस बात को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी आपको समझा देता हूँ। हमारे पेट में, इस पेट को हम जठर भी बोल देते हैं, एक जठराग्नि होती है, जठर अग्नि, जिसे आम भाषा में जठराग्नि भी बोलते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो अग्नि उज्ज्वलित हो जाती है, पेट में वो अग्नि पैदा हो जाती है। हम खाना खाते हैं, वो अग्नि हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। अगर हम खाना खाने के समय पानी पियेंगे तो क्या होगा, पानी अंदर जाएगा और वो जो अग्नि है वो बुझ जाएगी। इससे क्या होता है कि खाना कायदे से डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के करीब आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद पानी पीना चाहिए। बेहतर तो यह है कि कम से कम 45 मिनट का फासला आप ज़रूर अख्तियार करें, उसके बाद ही पानी पिए। तो इससे क्या होगा कि आपका खाना कायदे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर हम बीच में पानी पियेंगे तो क्या होगा, पेट की अग्नि शांत हो जाएगी और खाना जो है वो पचने में काफ़ी समय लेगा। वो खाना काफ़ी समय तक यूं ही पेट में पड़ा रहेगा, वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ेगा, जिसकी वजह से हमको अपच और गैस्ट्रिक जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए आप खाने के दौरान पानी से बचें, पानी उस समय ना पिएं। खाना खाने के करीब 40-45 मिनट पहले पानी पी लें या फिर खाना खाने के बाद 40-45 मिनट बाद आप पानी पिए, इस बात का ध्यान रखें। साथियों, अगली बात बड़े गौर से समझिए। लोग दूध वाली चाय पीने के आदि, लेकिन कई लोगों को दूध की चाय पीने के बाद पेट में गैस, अपच और बदहजमी की शिकायत होने लग जाती है। ऐसे में आप क्या करें कि आप हर्बल चाय के सेवन से आप इन समस्याओं से रिलीफ पा सकते हैं। हर्बल चाय में एंटीऑक्सीडेंट गुड़ पाए जाते हैं, जो खाने को पचाने से लेकर अपच और बदहजमी जैसी समस्याओं से भी राहत देने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आप पेट की समस्या से ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आपको त्रिफला का सेवन करना चाहिए, क्योंकि पेट को हेल्दी और फिट रखने के लिए त्रिफला का सेवन बहुत असरदार है, क्योंकि त्रिफला में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पेट को हेल्दी रखने के साथ साथ वजन कम करने में भी बड़ी असरदार है। त्रिफला एक पारंपरिक आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मूला है जो अपने पाचन लाभों के लिए जाना जाता है। ये मल त्याग को कंट्रोल करने और पाचन तंत्र को एसिड फ्री रखने में हमारी मदद करता है। साथियों, हेल्दी खाना और समय पर खाने के साथ साथ आपको फूड कॉम्बिनेशन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत से फूड हैं जिन्हें मिलाकर खाने से पाचन संबंधी समस्याएँ हमें हो सकती हैं। बहुत से लोग हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स को खट्टे या एसिडिक फूड्स के साथ मिलाकर खाते हैं, जो कि गलत है। ऐसा खाना ही पेट की समस्याएं पैदा करता है। आपको खाने का सही समय भी पता होना चाहिए। अपने खाने का एक रूटीन और एक टाइम टेबल बनाएं, किसी भी समय खाने से बचें, क्योंकि इरेगुलर खानपान से पाचन क्रिया हमेशा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और फिर पाचन संबंधी जो समस्याएं वो पैदा होने लग जाती हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएँ हैं तो उसके लिए आप जीरा, धनिया और कई हेल्दी मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट को हेल्दी रखने के लिए, पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए धनिया और जीरा बहुत फायदेमंद होता है। जीरे में थायमोल नामक एक गुण पाया जाता है जो पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत फायदेमंद है। वहीं धनिया में मौजूद
एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की कई परेशानियों में फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि पेट की समस्याओं के लिए दवाइयों का सेवन करना जरूरी नहीं है, बल्कि आप अपनी लाइफस्टाइल और खानपान को सही करें, इससे आप अपच, गैस और एसिडिटी की समस्या से बच पाएंगे। आपको ये जानकारी फायदे की लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।